अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मेसन मक्खियों की महारत के बारे में। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मेसन मक्खियां शानदार घर तामीर करने में महारत रखती हैं। इनकी ये महारत ही हमारी तवज्जो इनकी तरफ मबजूल करवाती है। मादा मेसन मक्खी जब घर बनाने की ख्वाहिशमंद होती है तो सबसे पहले मौजों जगह तलाश करती है और उसे साफ भी कर लेती है। इसके बाद उसे मट्टी के हसूल का जरिया दरकार होता है। अगर मखसूस मट्टी ना मिले तो वो नहायत उम्दा किस्म की जरखेज मट्टी लेकर इसमें अपना लुआब शामिल करती है। इस तरह एक नरम पेस्ट तैयार हो जाता है। जब मक्खी घर बनाती है तो वो बेतरतीब और जल्द बाज अंदाज में काम शुरू नहीं करती। इनके घर टनल नुमा होते हैं। मेसन मक्खियां हमेशा एक तयशुदा मंसूबे के तहत काम करती हैं, जिसके मुताबिक मेसन मक्खियां मट्टी की पहली खेप को पहले सेल के पिछले खाने की तामीर के लिए इस्तेमाल करती हैं, जो कि टनल का बंद हिस्सा होता है। फिर वो इस हिस्से से थोड़ा हटकर मट्टी को हलाल की शक्ल दे देती है। ये इनके बनाए जाने वाले अगले हिस्से की अलामत होती है। अगले सेल की तामीर से पहले मक्खी ने इस सेल में अंडे देना शुरू कर देने होते हैं। पहले सेल की तकमील के साथ ही मेसन मक्खी इसमें जरखीजा करने की गरज से खुराक जमा करना शुरू कर देती है। पहले वो इस पिछले सेल में पूलन का जखीरा करती है। अगली मरतबा वो कुछ शहद भी ले आती है। इस शहद को वो अपने लुआब के जरिए सख्त पेस्ट की शक्ल दे देती है और उसे पिछली मरतबा जमा किए हुए पूलन के ऊपर जमा देती है। इस तरह से वो अंडे देने के जिम्मन में अपनी इब्तदाई तैयारियों को मुकम्मल कर लेती है। यूं ही मक्खी पूलन की आखिरी खेप घर में पहुंचा लेती है तो वो फौरी तौर पर अंडे देना शुरू कर देती है। अंडे देने के बाद मादा मक्खी अगले सेल की दीवारों को बनाना शुरू कर देती है, जिसकी निशानी उसने पहले ही लगा रखी होती है। एक मखसूस तरतीब में मक्खी अंडे देना और खाने बनाना जारी रखती है, यहाँ तक कि ये तमाम सेल एक कतार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। खानों की साखत एक सी होती है। हर खाने एक अंडे पर मुश्तमिल होते हैं और जमा शुदा खुराक पर और मट्टी की दीवारों के जरिए साथ वाले सेल से अलहदा होता है। आखिरी सेल के मुकम्मल बंद हो जाने के बाद मादा मक्खी दाखिली रास्ते और आखिरी सेल के दरमियान कुछ खाली जगह छोड़ देती है और आखिर में उसके मुंह को बंद भी कर देती है। लेकिन इसके लिए वो आम सेल की पार्टीशन की बजाय सख्त लकड़ी का डार्ट इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से दूसरी मक्खियां इसके घर के सामने अपने घर बनाने से बाज रहती हैं, वरना अंडों में से निकलने वाले बच्चे कैद होकर मर भी जाते हैं। तामीरती मक्खियों के इस सारे अमल के दौरान हर एक मरहले पर साफ तौर से अकल और जहानत की कार फरमाई नजर आती है। एक आयत में अल्लाह ताला हमें बताता है कि मक्खियां ऐसी मखलूक हैं जो अपने इस तहकीकी काम के लिए अल्लाह की कुदरत से तरगीब पाती हैं, और ना सिर्फ मक्खियां बल्कि कायनात में मौजूद तमाम तर जानदार मखलूक अल्लाह की कुदरत से ही तरगीब पाती है। अल्लाह ताला जो तमाम ताकत और अकल का मालिक है, उसी ने तमाम और हर एक जानदार को हर एक तरह की चीज सखा भी दी है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।